हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान लाइट चैनल में स्वागत है। जैसा हम लास्ट वीडियोस में बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं, और आज हम उसी से आगे अपने नए फंक्शनल ग्रुप पे बात करेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर पे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इनके नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर पे ये बहुत टाइप के डाउट्स लेके आते हैं इसमें। इसी टाइप के जितने भी डाउट्स हैं उन सभी के बारे में हम क्लियर करेंगे, और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर पे बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर यदि हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और अगर यदि हम कीटोनिक ग्रुप की बात करते हैं तो कीटोनिक ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ और आर ग्रुप होता है। कोई भी कीटोन ग्रुप होगा उसमें हमारे आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है? अब हम अगर यदि हम इसकी बात करते हैं सी एच ओ ग्रुप की, तो अगर मान लो किसी कार्बन चेन में जहां पे हमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हमारी जो कार्बन चेन है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसके जब भी नाम को लिखेंगे तो उसके लिए हम इसको, अगर यदि ये मेन चेन में यूज हो रहा है, मतलब ये पेरेंट चेन में यूज हो रहा है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे AL, AL। और अगर यदि किसी जगह पे, किसी भी जगह पे अगर यदि साइड ग्रुप की तरीके से ट्रीट हो रहा है, जैसे हम आगे एग्जांपल्स लेंगे, आगे हम बात करेंगे, जब ये साइड ग्रुप की तरीके से ट्रीट होगा तो हम इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। बात क्लियर है? तो हमें ये दोनों वर्ड्स ध्यान रखने, जहां पर, जहां पे सी एच ओ ग्रुप एक्ट एज ए मेन ग्रुप तो हमारे पास में ए एल, और जिस जगह पे ये एक्ट एज ए साइड ग्रुप तो हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड। मतलब जब ये कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो हम एल्डिहाइड का ग्रुप यूज करेंगे ए एल, और अगर यदि ये चेन में यूज नहीं हो रहा है या नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। सिमिलर तरीके से हमारे पास कीटोन की बात होती है। कीटोन में क्या होगा कि कीटोन में अगर यदि ये मेन चेन की तरीके से यूज हो रहा है, कीटोन का कार्बन हमेशा एक मेन चेन में यूज होगा ही होगा, कीटोन का कार्बन, तो इसके लिए हमेशा वर्ड यूज करेंगे ओन, ओ एन ई। और जब हम इसकी बात करेंगे ये एक्ट एज ए साइड ग्रुप, तो ये तो हमेशा पेरेंट चेन में ही आएगा, कार्बन हमेशा पेरेंट चेन में आएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन पेरेंट चेन में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सो। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, और इन्हीं के बेसिस पे हम इसके जितने भी नोमेनक्लेचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बात क्लियर है? कैसे? जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, जैसे सपोज किया हमने CH3CH2CH2CHO हमने ये लिख दिया है। ठीक है, तो अब अगर यदि हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास में इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यहां देखा हमने कार्बन है, इस पे कुछ भी नहीं जुड़ा है, कार्बन है कुछ नहीं जुड़ा है, कार्बन है कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन यहां पे प्रेजेंट है एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो सिमिलर रूल आपको यूज करना है, और वो रूल यही होगा कि आपको लॉन्गर कार्बन चेन जो बन रही है उसको मेंशन करना है। लॉन्गर कार्बन चेन क्या बन रही है, 1 2 3 4, चार कार्बन एटम्स की लॉन्गर चेन बन रही है, तो हमने चार कार्बन की लॉन्गर चेन को मेंशन किया, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर यदि एल्डिहाइड ग्रुप जहां प्रेजेंट है इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको प्रायोरिटी देनी है, मेंशन करनी है इसको प्रायोरिटी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप को देनी है। ठीक है, जब एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें, अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं वहां तक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सी एच ओ को हमने ग्रुप दे दिया, और फिर उसके बाद सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, तो नाम लिखना है चार कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट हो गया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ये मेन चेन में यूज हो रहा है तो फर्स्ट नंबर पे है तो इसको बोल दिया ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इसका नाम हो गया ब्यूटेनल, यहां से नंबरिंग करनी स्टार्ट की तो हमारे पास इसको बोल दिया ब्यूटेनल। बात क्लियर है? अगर यदि हम सपोज करो इसी में चेंज करते हैं,
इसी कंपाउंड में हम चेंज करते हैं, ब्यूटेनल में ही चेंज करते हैं। सी मैं इसको सीधा डैश लाइन में लिख लेता हूँ इस तरीके से। सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है जिसको हमने बोला है ब्यूटेनल, ठीक है ब्यूटेनल। अब हम इसी में चेंज करते चलते हैं, पीछे वाले ग्रुप्स को भी मेंशन करेंगे जो लास्ट में हमने यूज किए हैं पीछे वाली क्लासेस में, तो हम उनको भी मेंशन करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो इसी पे मेरा कोई ग्रुप जुड़ गया। अब पीछे वाली क्लास में हमने बात की थी अगर OH acts as a main chain तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं OL। लेकिन यहाँ पे अगर यदि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम प्रेफरेंस देंगे। देखो ध्यान रखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर मेंशन करते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर। और वो क्या है, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम उसको एल्डिहाइड को पहले प्रेफरेंस करेंगे, मेन चेन में लेंगे एल्डिहाइड को, उसके बाद कीटोन्स को, कीटोन होगा, उसके बाद हम अल्कोहल को देखेंगे, उसके बाद हमारे हैलोजन्स को देखेंगे। क्योंकि हमने अभी तक इतने ही ग्रुप्स पढ़े हैं तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, हैलोजन्स को मेंशन करेंगे। पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर हैलोजन्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात है हमारे पास एल्डिहाइड मिल गया तो मतलब मेरी पेरेंट चेन होगी वो ये होगी, इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसको हमेशा मेंशन करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे ये ग्रुप है, नाम लिख दिया। अब चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे सपोज करो OH लगा दिया, ये कंपाउंड बना दिया, तो मेरे पास में क्या होगा, पेरेंट चेन में दो ग्रुप्स हैं, जो मेरी चेन है उसमें दो ग्रुप्स हैं, एक मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है और एक मेरा OH ग्रुप है। मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा कि मेरी जो कार्बन चेन बनेगी उसमें मेरा कौन सा ग्रुप आएगा, OL आएगा या फिर AL आएगा। तो हमने देखा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड का नाम पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। तो हमारे पास में क्या कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल तो है ही, लेकिन 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो मेरे पास सेकंड पोजीशन पे कौन है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम हो गया। बात क्लियर है। जैसे सपोज करो इसी में हम चेंज कर लेते हैं BR, यहाँ पे और लगा दिया ग्रुप, यहाँ पे BR लगा दिया। अब हम इसको नाम लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे चला गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन चला गया थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ब्रोमीन है। तो हम इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे आगे और लगा दो ब्रोमो, 3-bromo 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बात क्लियर है, ये हमने मेंशन किया है। अगर यदि हम सपोज करते हैं, जैसे अगर हम इसमें और चेंज कर लेते हैं, इसी ग्रुप में हम और चेंज कर लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप और लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल और लगा दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हमारे पास में वॉइस 2-hydroxy, पहले कौन आएगा, ब्रोमो हाइड्रोक्सी मिथाइल, हमारे पास में एच बी और एम, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आते हैं, एच फिर एम, हम यहाँ पे लिख देंगे 3-bromo 2-hydroxy 2-methyl और ब्यूटेनल, इस तरीके से इसके नाम को मेंशन करेंगे। अगर यदि सपोज करते हैं हमारे पास, अब कीटोन के बारे में बात करते हैं, कीटोन्स के लिए, ठीक है, तो कीटोन का ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो गया। जैसे मान लो ये वाला ग्रुप है, ये वाला मेरा कंपाउंड है, मुझे इसमें मेंशन करना है कीटोन है, यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम। तो यहाँ पे कीटोन के अलावा कोई और ग्रुप नहीं है, ना एल्डिहाइड है ना और कोई सा ग्रुप है, तो हम क्या मेंशन करेंगे इसके लिए, ओन वर्ड यूज करेंगे। ओन कैसे, क्या लिखेंगे, हम जब भी किसी भी कार्बन में बात करेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो कीटोन हमेशा कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो मेन कार्बन चेन, कार्बन चेन के बीच में ग्रुप आता है तो वो मेन चेन की तरीके से ट्रीट होगा ही होगा। तो हमने यहां पे मेंशन किया इसको, ठीक है। तो यहां से हम चलते हैं, कार्बन चेन को इंक्लूड करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ग्रुप कौन सा है, ओएन, ओएनई, पेंटेनोन बन गया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सटीक सा एग्जांपल है जहां पे हमने इसको लिख दिया पेंटेनोन, क्लियर है। लेकिन अब इसी में चेंज करते हैं, चेंज किया क्या, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा दो, OH लगा दिया,
बिल्कुल लगा सकते हैं, OH लग गया, OH लग गया तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे OH, तो थर्ड पोजीशन पे OH है तो 3 हाइड्रोक्सी वर्ड आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर यदि सपोज करते हैं हमारे पास में दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, सपोज कि हमारे पास में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन भी प्रेजेंट है, जैसे कार्बन चेन है जिसमें मेरे पास में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब हमने ये बात आती है हमारे दिमाग में सबसे पहले कि हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस पहले क्यों दे रहे हैं कीटोन की बजाय, कीटोन की कंपैरिजन में हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, बात क्लियर है? क्योंकि हम एक बात पढ़ते आए हैं क्या कि जब भी हमें कोई भी नंबर देना है तो प्रेफरेंस हमेशा उसको दिया जाएगा जो लोअर नंबर पे होगा, लोअर कार्बन एटम होगा। अब ये बात तो डेफिनेट है, जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन होता है और फिर कार्बन होता है जो मेरे पास में फर्स्ट पोजिशन पे ही आ जाता है। लेकिन अगर यदि हम दूसरे केस में बात करते हैं आर ग्रुप की, जैसे मान लो सपोज करो एक ही कार्बन है तभी तो कीटोन बनेगा, तो ये कौन सी पोजीशन आ रही है, 1, 2 हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है। अब इसकी कंपैरिजन देखें तो ये छोटा नंबर है तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे, पहले एल्डिहाइड फिर उसके बाद में कीटोन ग्रुप, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है। तो हमने देखा यहां पे, बात क्लियर है? अब इसके यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यार है, और अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास ये ग्रुप बन रहे हैं। हमारे पास में दो अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं, जहां पे वन ग्रुप पे तो एल्डिहाइड है और फिफ्थ ग्रुप पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और जब हम इधर से देख रहे हैं तो सेकंड नंबर पे कीटोन है और सिक्स नंबर पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो हमने 6 नंबर की कार्बन चेन तो 6 के लिए हेक्सेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन आ गया। अब हम यहां से देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे OH, मतलब एल्डिहाइड का OH है तो हमने कह दिया फर्स्ट पोजीशन पे AL, बात क्लियर है। अब हम यहां पे आते हैं, इससे आगे जब फिफ्थ पोजीशन पे ओक्सो, तो फिफ्थ पोजीशन पे ओक्सो, तो हमारे पास में ये ग्रुप हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर कि हमने यहां पे किया क्या है कि जब भी हम किसी भी ग्रुप को, अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उनकी कंपैरिजन में हमेशा हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे और कीटोन ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो अगर यदि हम इसी से आगे मान लो सपोज करो इन्हीं ग्रुप्स पे हम डिफरेंट ग्रुप्स लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है हैलोजन्स पढ़े हैं, हमने एल्कोहल पढ़ा है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में यही है सी डबल बॉन्ड ओ और मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ये है, अगर यदि हम बीच में कोई सा भी ग्रुप लगा देते हैं OH, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में Cl है, कुछ भी है, कितने भी डिफरेंट हम इसमें अटैचमेंट्स कर सकते हैं और चेंजमेंट कर सकते हैं, बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, किधर से स्टार्टिंग करेंगे, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल सा काम हमारा ये होगा, जो लॉन्गर कार्बन चेन बन रही होगी हम उसको प्रेफरेंस देंगे, बस इतना सा याद रखना है आपको, बात क्लियर है? तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, इसमें ग्रुप्स हो गए ये, अब हम इसमें नाम देते हैं कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है। देखो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल का एम प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, फोर्थ पोजीशन पे सीएल है और फिफ्थ पोजीशन पे ऑक्सो है। तो इसका मतलब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे सी पहले एच एम ओ, तो हमारे पास क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे फोर क्लोरो, ठीक है, फिर 3 हाइड्रोक्सिल, फिर उसके बाद सेकंड मिथाइल हो गया, फिर उसके बाद में
सेकेंड मिथाइल, फिर फाइव ऑक्सो, फाइव ऑक्सो, और फिर उसके बाद में ऑक्सो के बाद में क्या होता है, ऑक्सो हो गया, और लास्ट में कितने नंबर के कार्बन चेन है, छह की है, तो हेक्स एन और अल, हेक्सेनल। तो हमारे पास में ये हमारा कंपाउंड का नाम बन गया है, और इस कंपाउंड के नाम को हमने मेंशन कर दिया है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? पक्का एकदम बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। पीछे वाली चीज़ों को एक साथ लिंक करके चलना है, ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को छोड़ दे और फिर उसके आगे चले। बात क्लियर है? तो हमने इस ग्रुप का नाम लिख दिया है, इस तरीके से हम इस ग्रुप को मेंशन करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, फिर उसके बाद में कीटोन, उसके बाद में OH को, उसके बाद में हैलोजन्स को। हैलोजन्स ऑलवेज एक्ट्स एज ए साइड ग्रुप, वो हमेशा साइड ग्रुप की तरीके से ही ट्रीट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में था जिसमें हमने बात की है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपाउंड का नाम। बात क्लियर है? अगर यदि मान लो सपोज करो, जैसे अगर यहाँ पे ये कंपाउंड आ गया बेंजीन, और यहाँ पे लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका अगर कॉमन नाम देखे तो इसका कॉमन नाम होता है बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड, ठीक है। लेकिन अगर यदि हमें इसका नाम लिखना है IUPAC नाम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में पेरेंट चेन में तो सिर्फ यही आ रहा है, और ये बेंजीन है। बेंजीन को अगर यदि वो बेंजीन एक्ट एज ए साइड ग्रुप, तो हमारे पास उसको लिखते हैं फिनाइल, फिनाइल, ठीक है। आगे ये एक ही कार्बन है, तो हम इसको लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इन बातों को ध्यान रखना है, कोई बात नहीं। इसके बारे में, बेंजीन के बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे, जिस जिस तरीके से जो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इस पर अटैच होंगे, तो उन सभी के बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। बात क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर को किस तरीके से मेंशन करना है। किसी भी तरीके को कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि सभी चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके और लिंक करके, एक एक दूसरे को ग्रुप्स को अटैच करके फिर पढ़ना है, ताकि हमें नोमेनक्लेचर में कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम कन्वर्जेंस भी करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक के। तो अगर यदि हमें नोमेनक्लेचर आता है, तो उसी के बेसिस पर हम कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है अपने ऑर्गेनिक के अगले टॉपिक पे, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि ये वीडियो पसंद आई है, और अगर यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं सभी, तो उनको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।